देश में पैंडेमिक की सिचुएशन स्टेबलाइज हुई है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, न्यू केसेस कम हुए हैं और एक क्लियर कट डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। और आज हम दिल्ली में भी बैठे हैं तो दिल्ली में जो एक सिचुएशन बनी थी, कंसर्न की सिचुएशन, एंग्जाइटी की सिचुएशन, वो भी सेटल होती हुई दिखाई देती है। तो एक स्टेबलाइज होना है, हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री बात है, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी सच्चाई है। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि ये वायरस बहुत मिस्चीवियस है, पीक्स आती हैं फिर दोबारा ठीक होती हैं फिर और आती हैं, ये हम देख रहे हैं। और जैसा कि दर्शाया गया, बहुत सारे देशों में एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो रखी है, इसके बावजूद कि वहाँ मौका था तैयारी का, तैयारी उन्होंने करी भी बहुत, लेकिन जैसे परिस्थिति बदली वो उस सिचुएशन में है जो कि पहली जो फेज थी उससे भी भयानक है। तो ये कहना कि ऐसा यहाँ नहीं होगा हमारे देश में, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए हमें पूरी चौकसी बरतनी है, हमें अपना जो पूरा जोर लगाया हुआ है देश ने उसमें कोई भी ढील नहीं होनी है। और इसलिए जो भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को बचाएं, हम 2 गज की दूरी रखें, हम मास्क पहनें, हम हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, हम अपने बुजुर्गों को बचाएं, हम आरोग्य सेतु को अपनाएं, और अगर हम में सिम्टम हैं तो अपनी जांच कराएं। और अगर मैं उस व्यक्ति से मिला हूं जो कि टेस्ट में पॉजिटिव निकला, केस बना, तो फिर मैं अपने आप को अलग रखूं, कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखूं, ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं एक कॉन्टैक्ट हूं। तो इसमें कोई भी कमी नहीं लाई जा सकती, बिल्कुल। और इसी तरह से जो जिम्मेवारी है सरकार की, टेस्टिंग को इंश्योर करना, टेस्टिंग में और गुणवत्ता लगाना, टेस्ट की जो वैरायटी है वो, अब नए टेस्ट हमारे सामने आ रहे हैं उनको सिस्टमेटिकली प्रस्तुत करना, इस्तेमाल करना, और टेस्ट का जल्दी रिजल्ट मिले उसके ऊपर एक्शन हो, ये संभव करना हमारा दूसरा पिलर है। और तीसरा पिलर है कि हमें कंटेन करना, कंटेनमेंट जोन बनाने और वहाँ पे पूरा जांच करना, हाउस टू हाउस जाना, ये हमारा तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर है कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी देख रेख करना, उसको अलग रखना, एक चीज़ है आइसोलेट करना, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती है तो अस्पताल पहुंचाना, एम्बुलेंस देना, आईसीयू की ज़रूरत पड़े तो आईसीयू देना, ऑक्सीजन प्रदान करना, सपोर्ट करना उसको भी और उसकी फैमिली को, ये हमारे 4 पिलर हैं। आज तक हम इन्हीं 4 पिलर से यहाँ तक पहुँचे हैं और देश ने ये करके दिखाया है, लीडरशिप हमारे देश की उन्होंने करके हमें दिखाया है, संभव किया है। आज इसमें जो हमारा 5th पिलर है पैंडेमिक कंट्रोल का, जो कि वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, उसको लेते हुए एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आज हम आपके सामने लेके आए हैं। एक तो कॉन्टेक्स्ट अब ये हो गया है कि कम से कम 3 वैक्सीन जो हैं वो रेगुलेटर के पास हैं कि उनके ऊपर वो फैसला करें। 3 वैक्सीन्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द रेगुलेटर फॉर लाइसेंसिंग। दे आर डिफरेंट ओरिजन, दे आर समवट इन डिफरेंट फेसेस, बट देर इज अ वेरी एक्टिव कंसिडरेशन गोइंग ऑन एंड देर इज अ होप दैट एन अर्ली लाइसेंशियर इज पॉसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम। दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट। ये कॉन्टेक्स्ट हमारा आज एक उम्मीद देता है हमें कि यहाँ तक पहुँच गया है देश भी और साइंस भी, और ये बहुत एक सेटिस्फेक्शन की बात है। और दूसरी बात यह है कि हमने आपके सामने आज प्रस्तुत किया कि जिस तैयारी की बात हम करते थे कि सरकार तैयारी लगी हुई है डिफरेंट सिनेरियोज को लेके अपनी वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की, वैक्सीन डेवलपमेंट की एक तरफ, और भी वैक्सीन है हमारी पाइपलाइन है, ये भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि जितने आज सामने आए हैं उसके अलावा भी हमारी इतनी अच्छी पाइपलाइन चली हुई है कि और वैक्सीन भी आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक ग्राउंड लेवल पर तैयारी होनी चाहिए उसका भी आपको एक ब्रीफिंग आपको दी गई है, और वो भी मैं समझूंगा कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि उस डायरेक्शन में डीप एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयरनेस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय बाय द कंट्री एंड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद स्टेट गवर्नमेंट्स।